कासगंज में भाक्यू किसान ने किसानों की विद्युत समस्या को लेकर भाक्यू किसान ने सोरो होडलपुर विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर एसडीओ कासगंज को ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष शिवम बघेल के नेतृत्व में सोरो होडलपुर बिजली घर का घेराव किया। ग्राम होडलपुर ब्लॉक सोरो के ऊपर से हाई वोल्टेज 11,000 की लाइन क्रॉस हो रही है, जिससे आज दिन गांव में दुर्घटना हो सकती है। बीते दिनों में कई एक पशुओं की मृत्यु हो चुकी है तथा ग्रामवासी भी कई एक लोग चपेट में आ चुके हैं, जिससे ग्रामवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन किसान के युवा जिलाध्यक्ष शिवम बघेल, सक्षम अधिकारी सिवार्था एवं एसडीओ साहब के नाम मुख्य अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा है तथा एसडीओ साहब ने ग्रामवासियों को आश्वासन दिया है जल्द से जल्द लाइन को बाहर की ओर से व्यवस्थित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम बघेल, भारतीय किसान यूनियन किसान से युवा जिलाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा शिवम जी, आज जो सोरो सूकर क्षेत्र के होडलपुर विद्युत उपकेंद्र पर जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, बैठे हुए धरने पर, क्या आपकी मांगे हैं बताइए। मेरी सबसे पहले मांग है होडलपुर ग्राउंड से 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन निक्रॉस हो रही है। इससे क्या है कि पशुओं को और ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आज दिन तार टूटने से पशुओं की मृत्यु हो जा रही है। इसको लेकर के हमने यहाँ धरना दिया है। और विद्युत आपूर्ति जो मिलनी चाहिए गांव देहात में सरकार के नियम के अनुसार 18 घंटे वो नहीं मिल पाती है, उसके लिए भी आपने क्या मांग की है? सबसे पहले मेरी मांग ये है कि अगर जो आपूर्ति हमारी 1.5 से 2 घंटे हो पा रही है 24 घंटे में, से कम पूर्णतः 10 से 12 घंटे देना चाहिए। और मैं सरकार से यही मांग करूंगा, प्रशासन से यही मांग करूंगा कि गांव ग्रामवासियों के लिए 10 से 12 घंटे के लिए अवेलेबल कराई जाए। अच्छा, विद्युत आपूर्ति की कटौती की वजह से जो किसानों को सिंचाई वगैरह करनी है वो नहीं हो पाती है और कम वोल्टेज की वजह से जो लोगों की गांव में जो सिंचाई के लिए सबर वगैरह लगी है वो उठ नहीं पाती है वोल्टेज कम की वजह से, क्या कहना है इस बारे में आपका? इस बारे में मेरा कहना है कि प्रशासन से मेरी मांग है, वरना उग्र आंदोलन करने के लिए मैं बाध्य हूँगा। रोडों पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारी जो यूनियन है और मेरे किसान भाई रोड पर उतरेंगे अगर ये इस तरह की समस्या को सॉल्व नहीं किया जाता है तो।